आज के इस शिलान्यास के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे हिमाचल सरकार में मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय आप सबके बहुत ही प्रिय विधायक श्री राजेंद्र गर्ग जी, हमारे पड़ोस के पंचायत के लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष ठाकुर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री हमारे वरिष्ठ साथी त्रिलोक जमवाल जी, मंडल के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर जी, हमारे पूर्व प्रधान जगत राम जी और हमारी प्रधान पंचायत की प्रेमलता ठाकुर जी, सम्मानित मंच और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे अमित कश्यप जी जिन्होंने आज के कार्यक्रम की रचना की है। आप सब लोगों के साथ मुझे मिलने का सौभाग्य मिला और यहाँ आज के दिन फिर चाहे वो कंपनी कमांडर का होमगार्ड का दफ्तर हो या फिर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा भव्य कॉम्प्लेक्स 23 करोड़ रुपए की लागत से उसका शिलान्यास करने का सौभाग्य हो, फिर चाहे हमारे पानी की स्कीमों के ऑगमेंटेशन का विषय हो, कुल मिलाकर के आज मुझे यहाँ आकर कोई 50 करोड़ के कामों को शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। आगे चल करके समय नहीं मिलने वाला था, इसलिए आज का दिन मैंने निकाल करके कोशिश की कि सभी कार्यक्रमों को एक रूप दे दिया जाए और उसके साथ हम अपने आप को जोड़ करके आगे फिर विकास के काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ बैठा बैठा दो बातें सोच रहा था, क्योंकि आपके साथ बात कर रहा हूँ तो घर की बात है, आपने मेरे साथ जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपके और हमारे बीच का कोई पर्दा है, इसलिए मन को खुशी भी होती है। और मैं सब लोगों को कहता हूं कि आनंद जब आए तो उसका उपयोग न कर लें तो वह व्यर्थ चला जाता है। आज मैं बैठा बैठा पहली बात यह सोच रहा था कि आज अगर अनंत राम जी होते, जिनको हम अडवाणी जी के नाम से जानते थे, आज अगर जगन्नाथ सेक्रेटरी होते, आज अगर परमानंद हमारा भाई होता, आज हमारे रतन जी की श्रीमती जी कैली जी होती, इन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, सपनों में खो गए, कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी हम ये काम कर पाएंगे। और मैं उन दिनों कहा करता था कि कमाने जाना हो तो घर छोड़ना पड़ता है, तो हमको बहुत से लोग मना भी करते थे, ये भी कहते थे कि क्यों छोड़ के जा रहे हो। मैं हमेशा कहता था कि मंजिल बड़ी खींचो, रास्ते बड़े बनाओ, लंबी सोच लेकर के चलो। मुझे आज खुशी होती है कि मोदी जी के आशीर्वाद से आज बिलासपुर की बदलती हुई तस्वीर मैं देख रहा हूं, वो मैं आपके सामने। ये बजवानी पुल हमारे जगत राम जी हमसे नाराज हो गए, गल ही नहीं करना, बजवानी पुल, बजवानी पुल, बजवानी पुल। मैं कहा देंगे देंगे दादा देंगे, लेकिन ये भी सच्चे थे। मैंने इनके साथ सुबेरे 5 बजे उठकर इसी सतलज में ठंडे ठंडक में धुंध में मोटर बोट पर बैठकर सभी गांवों का चक्कर लगा करके भाखड़ा उस चीज की बात को आवाज को बुलंद की थी। और आज जब मैं 103 करोड़ का प्रोजेक्ट, और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, विशेष करके मोदी जी का, 4 दिन के अंदर हमको सैंक्शन मिलती है, यह दिल्ली आज बनी है, इसको हमको
मैं उसका शिलान्यास सभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका सॉइल टेस्टिंग होनी है, डिजाइन बनना है, प्रोजेक्ट बनना है, टेंडर होना है। मैं काम पक्का ही करता हूं, इसलिए पक्का ही करूंगा। लेकिन सबसे पहली गल होंगी कि पैसे चाहिए, तो वो 133 करोड़ रुपए का पहले इंतजाम कर लिया, डिजाइनिंग करेंगे और उसको आराम से, मैंने डीसी साहब को भी कहा है, बढ़िया बनाइए, भव्य बनाइए। लेकिन मैं जिन लोगों को याद कर रहा था वो इसलिए याद कर रहा था क्योंकि आज वो कहीं भी होंगे तो कितने खुश होंगे। उम्र बीत गई, सपने पाल करके चले गए, और जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और आगे देख सकेंगे वो कितने खुशनसीब हैं, उसको भी हमको समझना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। मैं आज पहली बार ये 4 लेन पर आया हूं, तो मैंने पूछा वो बाजार किसी गया, बोले रही गया सर। फिर मेरे को स्कूल की बिल्डिंग दिखी, फिर बचपन की यादें भी आ जाती हैं, वो सामने वो पेड़ होता था उसके नीचे हम बैठा करते थे, चाय पिया करते थे। आऊंगा फिर से चाय पीने, जरूर आऊंगा, वहां आना है। लेकिन मित्रों, ये मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि याद रखना, लक्ष्मी और दुर्गा ये सत्ता के वाहक देवी, ये वहीं टिकते हैं जहां टिकाने की ताकत होती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि राजनीति की गहराई को समझो। आज ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपसे कितने किलोमीटर की दूरी पर है। अब कई बार मेरे को कई लोग बोल देते हैं मिंजो क्या मिलिया, मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि एक स्कूटर की किक मारो और 15 मिनट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंच जाओ। मिंजो नहीं मिलिया तो किस जो मिलिया दसो। अगर मैं बात करूं, आपका कोई मेहमान आ जाए आज से 5 साल बाद, आप लोग टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में हम ठहराएंगे, शादी यहां कराएंगे, 450 लोगों की धाम की व्यवस्था करेंगे, आप बताइए उन बोलो मिंजो क्या मिलिया, मिंजो ये मिलिया, पर मेरा बच्चा उन ब्याह होगा तो है इतनी करांगे, ये मिला। ये हमेशा इस बात को आप समझिए, अपने से जोड़ करके देखिए। अभी आगे चल करके मुझे कल डी साहब बता रहे थे कि एक ब्रिज है, एक थोड़ा सा टनल है, उसका काम हो जाएगा तो 14 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा घरार मोड़ा, 14 किलोमीटर का रास्ता। वैसे तो आपको पीजीआई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान किसी को भेजे ही नहीं, सारी व्यवस्थाएं ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज यही हो जाएगी, लोग यहां आया करेंगे, आप नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी किसी काम से जाना पड़े तो समय कितना बचेगा, परिस्थिति कितनी बचेगी। अब मैं घर आना चाहता हूं, गांव आना चाहता हूं, बंगलौर से सबेरे होकर के वापस दिल्ली आ जाता हूं, लेकिन विजयपुर से वापस नहीं जा सकता, ये स्थिति है। लेकिन जब ये रोड बन जाएगा तो मैं भी सबेरे आकर के शाम तक काम करके जा सकता हूं और काम कर सकता हूं, तो यह विकास होता। अब मैं बोलूं मुझे क्या मिला, समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। तो इसलिए हमको इन बातों को समझना पड़ेगा। ये बंदले की धार बताइए, लोग अपनी बेटियों को उधर ब्याहते नहीं थे, अच्छा नहीं आज बोलना याद दिलाना, लेकिन सच्चाई है कि नहीं है। आज वो बंदले की धार मुकुट बनकर के खड़ा है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज अकेला देश का कॉलेज हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मित्रों, एक प्रयास हुआ है, ये प्रयास जारी रहे, और मैं फिर सबको कहता हूं कि सत्ता को मोदी जी के द्वारा जो काम हो रहे हैं, बड़ा सोच लेकर के काम चल रहे, बड़े सोच को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, आप सब लोग भी हैं। मैंने कहा इतनी जिंदगियां चली गईं और हम देखते रह गए, और जब ताकत आपने दी तो 3 दिन के अंदर ये भजवानी का पुल आपको सैंक्शन होकर के मिलता है, ये सत्ता का अंतर है। और इसलिए मैं सब लोगों को कहूंगा, और यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं इस इलाके के लिए विशेष करके, आप बीजेपी कांग्रेस मत देखो, आप देखो कि आपकी चिंता कौन कर रहा है, वो बीजेपी कर रही है। और कांग्रेस साथियों से भी कहूंगा कि ये समय है, हमको मौका मिला है, आप हमारा साथ दो, ताकत दो, हम पूरे आगे बढ़कर के आपको काम करेंगे। मैं सड़क बनाऊंगा
तो उसमें से बीजेपी वाले चढ़ने वाले हैं क्या? मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा तो बीजेपी भी चढ़ने वाली है क्या? ये पुल बनेगा तो क्या बीजेपी वाले ही चढ़ने वाले हैं क्या? इसमें हाथ लगाना है कि नहीं लगाना है? अगर हाथ लगाना है तो मैं सबसे कहता हूं आशीर्वाद जहां लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा खड़ी हो उधर ही आशीर्वाद मांगना चाहिए और देना चाहिए और वहीं प्रणाम करना चाहिए, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करने आया हूं, छोटे दिल से काम नहीं होता, बड़े दिल से काम होता है। सारे अफसर भी उसी तरीके से निकल करके आते हैं। आज आप बताइए ये 4 लेन जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो यहां के आर्थिक जगत पे अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसको हमको साथ देने की जरूरत है। मैं आपके बीच में क्योंकि आपका ही साथी हूं, यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं नाम से नहीं पुकार सकता हूं, आपके बीच का ही हूं, तो मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, ताकत लेने आया हूं। और अगली बार थोड़ा समय मिलेगा तो मैं चाय भी पी करके जाऊंगा। यहाँ रोशन जी बैठे हैं, इनकी दुकान पर हमने घंटों समय बिताया है सब लोगों के, और गेड़ जी की हालत पूछनी होती थी तो रोशन जी के पास बैठ जाते थे, सदर की जानकारी लेनी होती थी तो रतन जी के पास बैठ जाते थे, सारी चीज़ों का जानकारियाँ मिल जाती थी। ठीक है जी, आप जब कहेंगे तो भोजन भी करके जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। आप सब लोगों का प्यार मिला है इसके लिए मैं आप सबका धन्यवादी हूँ, और आगे इस काम को तीव्र गति से आप लोग चलाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अमित कश्यप जी इसको रिकॉर्ड टाइम में बना करके देंगे, हमें समर्पित करेंगे, और हमारे डीसी साहब बाकी सारी स्कीमों को पूरी ताकत देंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।